नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं 99 सब्लिमेशन, इंडिया का नंबर वन ब्रांड स्टार्टअप्स के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रिटेल स्टोर मॉडल जब हम लॉन्च करते हैं न्यू ब्रांड को लेके तो क्या क्या दिक्कतें आती है, और 99 सब्लिमेशन ब्रांड का अगर रिटेल स्टोर आप ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करते हैं, आप कोई भी सिटी से हो कोई भी स्टेट से हो, तो फायदा क्या रहेगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी नॉलेजेबल रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी ब्रांड, अगर हम खुद अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं, उस ब्रांड को अगर हम अपनी सिटी में लॉन्च करते हैं, उसको पॉपुलर होने में इट विल टेक टाइम, लगेगा 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है। तो इसमें क्या होगा, 1.5-2 साल तक आपका इन्वेस्टमेंट जो है फंसा रह जाएगा। याद ध्यान दो, आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस ब्रांड में, आपका पर्सनल ब्रांड में, वहां आपका पैसा फंसा रह जाएगा, क्योंकि आपको पहले हर प्लेस में आपको अपने को एग्जिस्टेंस बनाना है, हर प्लेस में आपको लिस्ट करना है। तो उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट जाते रहेगा हर जगह, वेदर इट्स रोड एडवर्टाइजमेंट हो या फिर कोई मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट हो, कहीं भी हो, तो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता रहना पड़ेगा आपने अपने ब्रांड के लिए। और आपको पॉपुलर होने में इट विल टेक टाइम, काफी समय लग जाएगा। उस समय तक कोई और बंदा आएगा और अपना ब्रांड को रीच कर लेगा, क्योंकि वो ब्रांड ऑलरेडी पुराना रहेगा मार्केट में। तो वो ब्रांड कौन सा है, वो है 99 सब्लिमेशन, इंडिया का नंबर वन ब्रांड स्टार्टअप्स के लिए। तो इसमें आपको सिंपल सा स्ट्रेटजी है, आप कोई भी सिटी से, कोई भी शहर हो, कोई भी गांव से हो, तो आपको 99 सब्लिमेशन ये कह रहा है कि आप हमसे जुड़ो और काम करो, हमसे जुड़ो, हम लोगों के साथ जुड़ के काम करिए। करना सिंपल सा काम है, आपको एक 100 square feet स्पेस रेडी करना है अपने शहर में, और वहां आपको जो है स्टूडियो, जहां से मैं अभी बात कर रहा हूं, एज इट इज स्टूडियो आपको डिजाइन करना है, और आपके फ्रंट में जो ब्रांडिंग रहेगा वो रहेगा 99 सब्लिमेशन रिटेल स्टोर। पूरे भारत में हम 501 रिटेल स्टोर फर्स्ट फेज में लॉन्च कर रहे हैं, काफी रिटेल स्टोर जो साइन अप हो चुके हैं, वन बाय वन लॉन्चिंग रेडी हो रहा है, और बहुत जल्द एक 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 स्टोर करके पूरे इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं 99 सब्लिमेशन का प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसा रहेगा। तो 99 सब्लिमेशन ब्रांड का जब आप लेते हो रिटेल स्टोर मॉडल, तो इसमें आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी हर चीज कर चुका है। 2012 से ब्रांड का प्रेजेंस है हमारा, हम 2012 से इंडस्ट्री में है, हर प्लेटफॉर्म पे हमारा जो ब्रांड है ऑलरेडी प्रमोट हो चुका है, हर प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स डिजिटल मार्केटिंग, वेदर इट्स यूट्यूब बोलो, वेदर इट्स ऑनलाइन सेलिंग पोर्टल्स बोलो, या फिर आप अवार्ड फंक्शंस बोलो, इसके अलावा जो है, या फिर आप बोलो कोई कॉलेज इवेंट्स, हर जगह हमारा ब्रांड जो है प्रेजेंस है, हर गली हर नुक्कड़ तक हमारा ब्रांड चल गया है। सिर्फ अब हमें जरूरत है आप लोगों की, क्योंकि हम आपके साथ अब पूरी तरीके से 24 घंटा आपके साथ काम करना चाहते हैं। और हमारा जो रिटेल स्टोर मॉडल रहेगा ये मार्केट से अलग रहेगा, और हमारा रिटेल स्टोर मॉडल में प्रॉफिट्स कैसा रहेगा आज मैं कैलकुलेट करके बताता हूं, ध्यान से देखो वीडियो। तो सबसे पहले मेरे पास देख सकते हो, ये एक मोबाइल कवर है, आप देख सकते हो ब्लैंक है, और ये एक प्रिंटेड कवर है, और इसके अंदर ब्रांड भी है फ्यूजन एक्सेसरीज। तो इसकी खूबी क्या है मैं बता दूं, अब ये ब्लैंक कवर जो है इसका कॉस्ट है आपको 20 रुपीज का है, 3 रुपया प्रिंटिंग का कॉस्ट है, 23 रुपीज में आपने कवर मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, आगे आप 150-200 का बेच रहे हो, तो इसमें जो रिटेल प्रॉफिट रहेगा ये आपका रहेगा। इस प्रॉफिट में से हम कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, कोई भी प्रॉफिट मार्जिन हम नहीं लेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग, आप देख सकते हो हमारा जो पैकेजिंग है इस तरीके से रहेगा, इस पैकेज में जो है प्रोडक्ट पैक होके जाएगा कस्टमर को डायरेक्ट, और आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, आप जो भी प्लेस से काम करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है पैक होके ऑनलाइन भी जाएगा, ई कॉमर्स सेक्टर में भी जाएगा और रिटेल सेक्टर में भी जाएगा, और क्वालिटी प्रीमियम रहेगा लाइफ टाइम प्रिंटिंग गारंटी के साथ। और दूसरा प्रोडक्ट की बात करें तो मैं एक स्टोन लाता हूं, देख सकते हो, अब ये ग्रेनाइट है, सॉरी स्टोन नहीं, ये स्टोन ग्रेनाइट है, देख सकते हो ये ग्रेनाइट के ऊपर जो है प्रिंट किया हुआ है, 250 का ग्रेनाइट है, प्रिंटिंग कॉस्ट आपको 600-700 रुपया पड़ रहा है, 750-800 का इजीली बिक जाएगा ये।
तो इसका जो रिटेल प्रॉफिट है ये भी आपका रहेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपका जो प्रॉफिट जो रहेगा रिटेल स्टोर का ये आपका रहेगा। 99 सप्लीमेशन ब्रांड बोल रहा है, इन्वेस्ट आप कर रहे हो छोटा सा इन्वेस्टमेंट जिसमें एक्चुअल बताने से 0% इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उसका पूरा रॉ मटेरियल हम आपको दे दे रहे हैं। तो 99 सप्लीमेशन कह रहा है कि रिटेल स्टोर का जो प्रॉफिट रहेगा ये आपका रहेगा, आपका प्रॉफिट में से हम एक रुपया भी नहीं लेंगे क्योंकि पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो रिटेल स्टोर आपका रहेगा, सिर्फ हम ब्रांड दे रहे हैं, ना हम ब्रांड का फीस ले रहे हैं, ना हम अपना ब्रांड का प्रमोशन का कुछ चार्जेस ले रहे हैं, या फिर हम अपना रॉयल्टी इनकम ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे। हम बोल रहे कि भाई साहब आप सिर्फ हमसे काम करो, बाकी पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा, सपोर्ट सिस्टम पूरा हमारा रहेगा एवरीथिंग, क्योंकि 9 साल से हमने ये कर दिया है ऑलरेडी ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते तो 2012 से हम अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च कर सकते 2012-13 से, लेकिन हमने इतना लेट इसलिए किया है लॉन्च ताकि पहले हम हर चीज को समझ जाए, हर चीज को हम प्रॉपरली लाइनअप करें, उसके बाद हमने इंडिया में फ्रेंचाइजी लाया। पहले हम सोचे कि पहले हम पूरा अपना प्रेजेंस जो प्रॉपरली बना ले, प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिजाइन कर ले, उसके बाद जो है हम आप तक पहुंचे, उसके बाद हमारा स्टोर आपकी सिटी तक पहुंचे। क्योंकि जब आपकी सिटी में अब हमारा स्टोर स्टार्ट हो जाएगा, आप जब मेरा ब्रांड का रिटेल स्टोर मॉडल लोगे तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि कस्टमर ब्रांड देख के विजिट कर लेगा। 500 फर्स्ट फेज में तो 500 रिटेल स्टोर हम लॉन्च करें, उसके बाद नेक्स्ट फेज में फिर हम लोग 500 रिटेल, फेज वन फेज टू ऐसा करके हम लोग जाते रहेंगे। और कंपनी का वैल्यू मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, आज आप मानो या ना मानो कंपनी का वैल्यू काफी बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा वैल्यू आने वाला है कंपनी का मैं आपको बता नहीं सकता, ये रहेगा सस्पेंस। मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं कंटिन्यू आपसे बात करते रहूंगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल कंटिन्यू लेते, लेकिन जिस दिन वैल्यूएशन होगा उस दिन आप बिलीव करोगे कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या था, क्या कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आप कोई भी अगर रिटेल स्टोर नाइफ सप्लीमेशन इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहते हो तो ध्यान दो, आप 99 सप्लीमेशन से स्टार्टअप करो और उनका रिटेल स्टोर लेके 99 सप्लीमेशन हमारा ही ब्रांड लेके आप काम करना, क्योंकि जिस दिन हमारा स्टोर स्टार्ट हो जाएगा इर्द गिर्द जो भी ब्रांड्स हैं वो टिक नहीं सकेंगे, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आगे मार्केट में हम इतना पीछे बैकएंड में जो फाउंडर है इतना काम कर रहे हैं बैकएंड से आपको बता नहीं सकता हूं मैं, बहुत ज्यादा काम चल रहा है बैकएंड से, ताकि हमारा रिटेल स्टोर में जो प्रोडक्ट हम डिजाइन कर रहे हैं आप बिलीव ही नहीं करोगे, इतना यूनिक प्रोडक्ट बैकएंड से डिजाइन हो रहा है फ्रेंड्स। आज अगर आप मिस कर दोगे 99 सप्लीमेशन ब्रांड का रिटेल स्टोर मॉडल तो कल आप 100% मैं बता रहा हूं आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लोगे, क्योंकि हम पूरे इंडिया में इतना स्टोर्स लॉन्चिंग करने वाले हैं कि आप बिलीव भी नहीं करोगे। उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन एक लेवल पे चल जाएगा, एक बहुत बड़ा लेवल पे वैल्यूएशन चल जाएगा, उस वक्त इंडिया में सिर्फ 99 सप्लीमेशन का ही डंका बजेगा। याद रखना, आप कोई भी शेयर से हो तो ये समय डिसीजन लेने का है आपको, क्योंकि याद रखो आप अपना स्टोर रिटेल स्टोर स्टार्ट करोगे कोई भी गली में और विद इन 2-3 महीना 99 सप्लीमेशन का रिटेल स्टोर आ जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रोडक्ट लेके आ रहा है, ह्यूज वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है 99 सप्लीमेशन, ह्यूज वैरायटीज, तो समझो इतना वैरायटीज जो इंडिया में किसी बंदे के पास नहीं है, क्योंकि 99 सप्लीमेशन खुद इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट और खुद एक्सपोर्ट भी करता है, क्योंकि क्लाइंट बेस जो है पूरे इंडिया में हर गली तक पहुंच गया, इंडिया के अलावा बाहर भी है, हमने बाहर इंडिया के बाहर अब्रोड फॉरेन कंट्रीज के लोगों को भी स्टार्टअप्स में सपोर्ट किया है। तो अब हमारा उद्देश्य और मकसद एकदम साफ है कि भारत का जो युवा है, भारत की जो युवा शक्ति है, उनमें जोश और जुनून काफी ज्यादा है, और मैं बता रहा हूं आज अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, आपने बोला कि नहीं कोई एक्स वाई जेड से थोड़ा सा मशीन ले लेते स्टार्ट कर रहे तो आप पछता जाओगे आगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं 40 स्टोर्स जो ऑलरेडी साइन अप हो चुका है इंडिया में, अब धीरे 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 नेक्स्ट लेवल भी हम पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे करके हम पूरे इंडिया में 500 रिटेल स्टोर्स 2022 तक लॉन्च कर देंगे, मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं लॉन्चिंग का, तो आप समझो वर्क कितना फास्टली चल रहा है बैकएंड से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा 500 रिटेल स्टोर
फास्टली स्टार्ट हो गया तो समझो कोई भी ब्रांड मार्केट में टिकेगा नहीं, क्योंकि इसमें हम इतने सारे टेक्नोलॉजीज ऐड करने वाले हैं आपको खुद समझ में नहीं आएगा। इसी मॉडल में वॉल प्रिंटिंग आने वाला है, 4D वॉल प्रिंटिंग जो मेरा फ्रेंचाइजी लेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो समझो आप, जो मेरा फ्रेंचाइजी लेगा, जो मेरा रिटेल स्टोर मॉडल लेगा, आगे जाके उसी बंदे को हम जो है वॉल प्रिंटिंग मशीन लॉन्च करने वाले, वॉल प्रिंटिंग मशीन का भी उसको एग्जिस्टेंस दे देंगे कि आप बेच सकते हो 99 सब्लिमेशन से। और इतने सारे मशीनरीज हम आगे ऐड करने वाले हैं, आप खुद बिलीव नहीं करोगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि इतना प्रोडक्ट कैसा 99 सब्लिमेशन का काम कर सकता है। क्योंकि अब जो है हमने पूरे इंडिया के हर घर तक जो है पहुंच गए, हम हर घर तक, पहले हम हर घर से जो है ऑनलाइन के जरिए पहुंचे थे, XYZ प्लेटफॉर्म्स के जरिए, अब हम बोलते हैं कि नहीं, अब मेरा जो यूजर है, जो मेरा प्रोडक्ट यूज करता था, जो मेरा मोबाइल कवर यूज करता था, आज वो मेरा पार्टनर बन जाएगा। तो पूरे इंडिया में पार्टनर्स भर देंगे हर घर तक, वादा है हमारा, हर घर तक हम एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए एक हमारा जो रिटेल स्टोर मॉडल है इसको लेके पहुंच जाएंगे। तो हमारे ऑफिसेस का इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे ऑफिसेस जो है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये कंपनी मेरा अपना ऑफिसेस है, हमारा अपना ऑफिसेस है ये, इसमें कोई भी अदर फ्रेंचाइजी नहीं है। ये चारों ऑफिसेस मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, चार प्लेसेस में है, बहुत जल्द है मुंबई एंड अहमदाबाद, रेडी रहिएगा। बॉम्बे एंड अहमदाबाद हम आ रहे हैं बहुत जल्द। हमारा नेक्स्ट जो दो ऑफिसेस है मुंबई एंड अहमदाबाद, आमची मुंबई एंड अहमदाबाद केमचो, ये दो प्लेसेस में हम आने वाले हैं, ताकि उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज जो कहां हम आएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जिस दिन हम मुंबई में कदम रख दिए तो समझिएगा पूरा मार्केट जो है हमारे पास कैप्चर हो जाए, क्योंकि 99 सब्लिमेशन का एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंस एक अलग ही है। क्योंकि इसके पीछे जो दिमाग है, इसके पीछे जो माइंड है, ये IIM का माइंड है, एक बहुत बड़ा माइंड है इसके पीछे जो चल रहा है। तो समझ सकते हो आप, मैं आपको फिर वाकित कर रहा हूं कि भाई साहब कोई भी प्लेस में हो, कोई भी जगह पे हो, सावधान हो जाओ, क्योंकि 99 सप्लीमेशन का जो मॉडल है वेरी यूनिक मॉडल है, बोल रहा है कि 0% इन्वेस्टमेंट। तो चार जो 0% इन्वेस्टमेंट है, तो मैं बता रहा था कि चार ऑफिसर्स है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। आप कोई भी प्लेस में हो, कहीं आपका आसपास लग रहा है, आपको कौन जो ऑफिस नजदीक लग रहा है वहां जाइए और बोलिए भाई साहब मुझे रिटेल स्टोर ही स्टार्ट करना है, मुझे अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करना है, मुझे अपना 99 सब्लिमेशन का रिटेल स्टोर स्टार्ट करना है। वहां एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स आपको सलाह देंगे कि किस तरीके से स्टार्टअप करना है। और एक बात है, यहां जो भी प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूं स्टोर में, आप देख रहे हो मेरे आसपास, ये हर प्रोडक्ट का जो है हमने टेस्ट किया है, हम खुद यूज करके उसके बाद प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी 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 99 सब्लिमेशन हमारा मकसद और उद्देश्य एक है कि हम सिर्फ क्वालिटी बेचेंगे, क्वालिटी के अलावा हम कोई प्रोडक्ट मार्केट नहीं करेंगे। 9 सालों से हम यही काम करते आ रहे हैं। बहुत सारा गिफ्टिंग प्रोडक्ट है, मोबाइल कवर्स, कॉफी मग स्टाइल्स, ग्लास फ्रेम्स, वॉल क्लॉक, कीचेन्स, टकीला ग्लास, शॉट ग्लासेस, बियर मग्स, बहुत सारा प्रोडक्ट है, रोटेटिंग फ्रेम्स, LED फ्रेम्स, LED कुशंस, नॉर्मल गुड्स, एवरीथिंग इज स्टोर में आपको मिलेगा। और रेट्स काफी यूनिक रहेगा और डिजाइन भी काफी यूनिक रहेगा, क्योंकि पीछे जो बैकएंड में जो टीम बैठी है वो टीम काफी ज्यादा काम कर रही है। आप ये मत समझना ये स्टोर मॉडल पूरे इंडिया में लॉन्च होगा तो सपोर्ट कैसा रहेगा, फ्रेंड्स भी बैकएंड टीम काफी ज्यादा जो है काम कर रही है। इसके बाद जो आप जो मेरा रिटेल स्टोर मॉडल रहता तो लेते हो तो आपको एग्जिस्टेंस दो जगह आप प्रोडक्ट अपना बेच सकते हो, रिटेल स्टोर से भी बेच सकते हो, कॉर्पोरेट पे भी जा सकते हो, कॉर्पोरेट में भी जाओगे, इसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी सेल करोगे, हर जगह आपको एक परमिशन दिया जाएगा प्रोडक्ट सेल करने का, कोई रुकावट नहीं रहेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बढ़ जाना, हम चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से एक प्रॉपर बिजनेस टाइकॉन बन जाओ, बिजनेस में आ जाओ, 99 सब्लिमेशन के साथ पार्टनर बन जाओ। एक हिसाब से देखो तो जीरो इन्वेस्टमेंट 0% है। और मैं बता दूं 99 सब्लिमेशन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, चार प्लेसेस में एक्सपर्ट्स बैठे हैं, 5 भाषाओं में जो है वीडियोस उपलब्ध है, 99 सब्लिमेशन तेलुगु, 99 सब्लिमेशन तमिल, 99 सब्लिमेशन बंगाली, 99 इंग्लिश, 99 सब्लिमेशन हिंदी, 5 भाषाओं में उपलब्ध है। बहुत जल्द महाराष्ट्र, मराठी एंड गुजराती इसमें आने वाले हैं, दोनों भाषाओं में।
इसके बाद जो हमारे और भी भाषाएं जो है, 99 सब्लिमेशन उड़िया, 99 सब्लिमेशन जो बहुत सारे भाषाएं जो है, हम उसमें भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप लोग जरूर जुड़ के रहिएगा, क्योंकि कोई भी वक्त हम कोई भी चैनल लॉन्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ 99 सब्लिमेशन का जो भी भाषा है वो सबको सब्सक्राइब करिए रखिए, क्योंकि जो भाषा का चैनल पहले लॉन्च होगा उससे हम हर वीडियो हर चैनल में जो है हम आपको बता देंगे कि इस भाषा में जो है वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो आपको स्टार्टअप करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 99 सब्लिमेशन ही जुड़ने के लिए 99 सब्लिमेशन से वीडियो देख करिए। तो इस वीडियो में यह था कि किस तरीके से आप रिटेल स्टोर मॉडल को स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आज अगर हम 99 सब्लिमेशन ब्रांड का रिटेल स्टोर मॉडल नहीं लेके अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, आगे आपको कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो इस वीडियो को यहां से एंड करूंगा, फिर आपके साथ मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, सत्यमेव जयते।